मैं भाई पार्क में किससे मिलने आया हूँ आपको दिखाता हूँ। जंगल जंगल आपका भाई आया। मैं आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पार्क के अंदर। तो भाई आपको दिखाता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड पार्क के अंदर बैठी हुई है। अपनी पत्नी प्रिया को छोड़कर के आया हूँ पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। तो आप सबको अपनी गर्लफ्रेंड दिखाता हूँ। दिखा दूँ फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड नहीं है यार, स्कूल की दोस्त है यार। ये देखिए फ्रेंड्स, वजह दिखाऊंगा, बस सूट पैंट की शर्मा आ रही है, वीडियो में आना चाह रही है। दिखा दूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स मेरी गर्लफ्रेंड। ऐसे फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो फ्रेंड्स अभी है नाइट का टाइम, और टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, कौन सा फोन दिखाऊँ फ्रेंड्स, टाइम इसमें दिखाता हूँ आपको। टाइम ले फोन ही ऊपर है। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है कम से कम अभी 9 बज रहे हैं, और प्रिया है वॉशरूम के अंदर। और मैं ना कोई प्रैंक नहीं करने वाला हूँ आप ऐसे ही फ्रेंड्स को। इस ब्लॉग वीडियो के अंदर मैं भाई कुछ प्रिया को सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज क्या देने वाला हूँ, जैसे प्रिया वॉशरूम से आएगी वैसे प्रिया को मैं देने वाला हूँ सोने की गोल्ड गिफ्ट। अरे जरा रखो, इतना पैसा होता पता नहीं भाई मैं क्या कर लेता नहीं कर लेता। तो फ्रेंड्स अभी जो है प्रिया को मैं दिन से बोल रही थी मुझे जाना है, बाहर जाना है। फ्रेंड देखिए सोचने की बात है, मैं प्रिया को बाहर इसलिए लेकर जाता हूँ, घुमाता इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि फ्रेंड देखिए अभी आपको फ्रेंड पहले लास्ट मंथ चल रहा है, 2-4-5 दिन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसी करके फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ना नर्वस रहता हूँ कि प्रिया को कहीं लेके ना जाऊँ बाहर, कहीं इधर ना घुमाओ, ठीक है। आज दिन से बोल रही था मुझे बाहर घुमा दो, बाहर घुमा दो, बाहर घुमा दो। अभी वॉशरूम में गई है, जब आएगी उसके बाद देखता हूँ प्रिया को बाहर ही जाता हूँ। और हाँ आज ना थोड़ा कुछ बाहर का चीज़ उसको खिला दूंगा। दिन से कह रही मुझे समोसे खाना है, समोसे खाना है, समोसे खाना है। चलिए कोई बात नहीं, आज को समोसे भी खिला ही देंगे, ठीक है। तो और फ्रेंड्स देखते हैं समोसा खाती भी है कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे घर में बना था खिचड़ी, ठीक है, जो खिचड़ी भी ख़त्म हो चुका है, खा भी लिए हैं। फ्रेंड्स अगर उसमें थोड़ा सारा मसाला डाल के, थोड़ा आलू डाल के बना दो चटपटा सा, पता है खाने में ना एकदम स्वाद लगता है, ठीक है, टेस्ट लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए, अभी से प्रिया आएगी उसे आप लोगों को मिलाऊंगा। कहाँ क्या पता, सीधा मैं आप लोगों को सीधा फ्रेंड्स पार्क के अंदर ही मिलूं समोसे के साथ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। देखिए मैं भाई पार्क में किससे मिलने आया हूँ आपको दिखाता हूँ। जंगल जंगल आपका भाई आया। मैं आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पार्क के अंदर। तो भाई आपको दिखाता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड पार्क के अंदर बैठी हुई है, बढ़िया मज़ा मुझा लेकर के मिला फ्रेंड्स। देखिए तो पार्क में अपनी प्रिया को छोड़ करके आया हूँ पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। देखिए मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, देखिए आप लोग फ्रेंड देखिए, दिखाता हूँ, दिखा दूँ फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड नहीं है यार, स्कूल की दोस्त है यार। ये देखिए फ्रेंड्स, वजह दिखाऊंगा, बस सूट पैंट की शर्मा आ रही है, वीडियो में आना चाह रही है। तो फ्रेंड्स यार देखिए, ठीक है भाई, बेचारी इतनी सुबह से भूखी हुई थी ना नू। पूछो मत, आज हमारे घर में ना बहुत बुरा हुआ, तो सुबह से ना खाना नहीं खाया, ठीक है, इतने भूखी हुई है बेचारी। तो फ्रेंड देखिए समोसा कोल्ड अभी खुला नहीं है, माजा एकदम भाई बैठ के खा रही है। और ये फ्रेंड्स पार्क है, आपको दिख रहा होगा पार्क के अंदर। हाँ रेड चटनी डाल के जानू, तुमने फ्रेंड से पूछा नहीं यार समोसे के लिए। हाँ फ्रेंड देखिए, ऐसे में प्रिया को कोई गाली दे रहा है क्या, जो खा भाई खा कैसे रही कुत्ते की जैसे। मुंह जल रहा है, गरम है, गरम गरम लेकर के आया हूँ तभी तो। फ्रेंड्स है, आप लोग भी खा लीजिए, और समोसे पड़े हैं। कोल्ड ड्रिंक तो पीने कोई मतलब नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं फ्रेंड, माजा है, प्रेगनेंसी में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हम, और कोई पीता होगा तो नहीं पता, क्यों जानू, ऐसे पीना नहीं चाहिए ना, जैसे जैसे पियो तो गले में जलन सी होने लगती, मैंने तो कभी नहीं पिया। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए, समोसा और मैं भी खा लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स फाइनली बहुत टाइम हो गए, 1.5 घंटे हो गए, घर आ चुके हैं, अभी नहा के आई हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है कि बता नहीं सकते आप लोगों को। और सुबह का ही खाना रखा था, वही खाना खाया है, अभी तो खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया, जो भी खिचड़ी विचड़ी जो भी बनाया। तो फ्रेंड आजकल खाना भी खाने, आप जो कहोगे मैंने खाना खाया होगा, मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया, जानू ने खाया, थोड़ा सा बाबू ने खाया, वो बात नहीं है। हाँ जिसके पेट में बच्चा होता है ना, हाँ वो लेडीज सिर्फ खिचड़ी खाती है, खाती है खिचड़ी। खिचड़ी क्या खराब होता है फ्रेंड्स सेहत के लिए, आप लोग बताना अच्छा कितना अच्छा होता है। और हाँ एक कमेंट भी आ रहा था कि उस टाइम 2-3 महीने पहले मैं थोड़ा सही दिख रही था, अभी इस टाइम बहुत कमजोर दिख रही हूँ। कमजोर क्यों ना दिखूं फ्रेंड्स, इतना टेंशन होता है, खिचड़ी खाएगी तो कमजोर दिखेगी, वो बात नहीं है, किसी को प्रेगनेंसी में खाने का मन करता है फ्रेंड्स, मेरी तो ऐसी हालत है, मैं फिर भी खाना खा लेती हूँ। मैं प्रेग्नेंट थोड़ा ना, मैं कपड़ा भर, झूठ मत बोला भी, वो तो कपड़ा भर रखी है। फ्रेंड देखिए अभी मैं हूँ प्रेग्नेंट नहीं हूँ, कहीं दिख रहा है पेट पुट दिख रहा है मेरा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम लोग कपड़ा भर के इसमें तुम वो बांध रखी हो टॉवल अंदर में, पता नहीं है क्या। तो अभी तो नहीं बांध रखी हूँ ना,
अभी मैंने खोल दिया, टोर बांध रखी हो। देखिए फ्रेंड्स, कहां मैं प्रेग्नेंट हूं बताइए, पेट अभी सटकाया है, झूठ मत बोलो। ऐसा मत बोलो, मेरे बच्चे को तकलीफ होएगी अंदर अंदर। तुम नहीं हो प्रेग्नेंट तो बोल दो, नहीं झूठ क्यों बोलती। अभी टाइम कितना हो रहा, 11:30 बज रहा है फ्रेंड। तुम देखो नहीं हो, पेट बड़ा नहीं है तो बोल दो बड़ा पेट नहीं है। फ्रेंड मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, सिर्फ मैं उन लोगों की नजरों में नहीं हूँ जिन लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और जो मुझसे प्यार करते हैं। आज ही मैं कमेंट पढ़ा था, एक लोगों ने कमेंट किया कि प्रिया अभी पेट में कपड़ा भर रखी, तो जो सच बात है वो बात। और हाँ बात रही फ्रेंड ऑपरेशन वाली, मैंने कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर है ना उन्होंने बोला कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। नहीं कपड़ा भर रखी मैं, हाँ नहीं है मेरे पेट में बच्चों, कोई दिक्कत है आपको? कपड़ा भर रखी हूँ, हाँ कपड़ा भर रखी हूँ मैं, हटो पैर हटाओ तो मेरे बच्चों को लात मारोगे। कपड़े को लात मारो, इसमें कपड़ा है, बच्चा थोड़ा ना है। हाँ दिख रहा तुम्हारी हरकतें कैमरों में, कैमरे में। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ डॉक्टर से ना पूछा तो उन्होंने बोला कुछ प्रॉब्लम होता तो अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। अब आप लोग सोचने वाली बात है, एक हफ्ते दो हफ्ते, मतलब साथ साथ 14 दिन ये निकल गया और मेरी डिलीवरी टाइम पास, मतलब सरकारी अस्पताल का ना, सरकारी अस्पताल जहाँ भी जाए जन्म जाए मतलब नहीं है, बच्चा घर में पैदा होगा। सरकारी अस्पताल का काम इतना खराब है ना, सोचिए फ्रेंड, डॉक्टर ने बोला एक हफ्ते बाद तुम आना, और मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि रप्रीत के टाइम में जितने भी अल्ट्रासाउंड थे ना मेरे बाहर से लिखे गए। हाँ डॉक्टर मैं बनूंगा। अरे तुम चुप रहो, मत बोला करो, ले आऊंगा डॉक्टर का कोट पहन पहन करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक हफ्ते बाद जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता मैं वहाँ गई। मत करो यार, बता दो कि तुम कपड़ा भर रखे, झूठ क्यों बोल। तो वहाँ पे एक हफ्ते बाद फिर लिख दिए फ्रेंड्स, प्रिया झूठ बोल रही है कपड़ा भर रखी है। मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आप मेरा बात मान लो, सच के आगे जीत है भाई। मैं तो कभी माँ बनी नहीं सकती थी, न बन सकती हूँ, मैं तो सब बच्चा मांग के लेके आई हूँ, अभी दूसरा भी तो मांग के। मेरी बीवी सब बोलती थी, अब मेरी बीवी, अब तुम तो हो ही हो, तुम मेरी पहली बीवी हो, इतने सब जो बोलती है वो मेरी बीवी बोलती है, तो सब बच्चा मांग के ही लेके आई है। अच्छी बात है, इंसान को मांगने पे बच्चा मिल जाए बहुत खुश नसीबी की बात है। खैर हमारे जगह तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जहाँ से लेकर हमको क्या मतलब, इतना सुंदर मुंदर बच्चा कौन दे देता है बता। मेरा बेटा इतना प्यार से सो रहा है, 9 महीने पेट में रख के इतना दर्द सहा मैंने। उससे क्या बोलता है पापा, अन्ना अन्ना सीधे मांगता है, अंडा मांगता है फ्रेंड, सीधे अंडा मांगता है। चलो कूलर चला दो, जाना गर्मी से लग रही, चलाऊंगी। नाना देगा, मेरा नाना है कि नहीं है पता नहीं मुझे, तुम्हारा बाप देगा? अब बात बुत करती नहीं हो, पता नहीं है। तुम्हारी माँ देगी, मैं तो बात करना उसी टाइम से फ्रेंड छोड़। ऐसी माँ क्या फायदा, जो ताने थोड़ा कम दिया करो, ठीक है, ताने बहुत देते हो। दिया ना दहेज में, दहेज तो वो लेते ना जिसको कुछ वो नहीं होता है, जो भिखारी होते हैं वो दहेज लेते हैं। इतनी औकात है कि मैं कमा खा, लेकिन तेरी माँ तेरे क्यों फोन करती है? लव मैरिज में कौन दहेज देता है, क्यों लेके आते घर से, ना लेके आते है कि नहीं फ्रेंड? तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों फोन करती थी? अब करती, कितने महीने बीत गए, दादाजी के उसमें गए थे, सोचो तुम्हारे खुद के दादाजी, तुम तो गए नहीं थे, मैं गई थी, तभी से मेरी मम्मी से बात करना मैंने। दादा कौन? दादा मैं दादा जाऊंगा, दिखाया दादा को, दादा बोलूंगा पकड़ेगा यहाँ बैठ क्या, तुम्हें तो जरूर तब पहुंचेगा है कि नहीं फैन फैन। लेकिन बिहार में ना इन सारी चीजों को बहुत मान्यता है कि कभी किसी के शरीर में दादाजी आ जाएंगे, या फिर किसी घर में कोई जैसे ऐसे हो जाता ना तो उनके दूसरे के शरीर में आता, फिर वो बोलते हैं कि हमें इस कारण मैं गया हूँ, मेरी ये मजबूरी है। पता नहीं कितने, एक दो यूट्यूबर जिसने भूत भी आया था। हाँ एक दो यूट्यूबर भी हैं, नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा इनकी, तो इनको बजाऊंगा अभी नहीं। हाँ एक दो यूट्यूबर है जिनके शरीर में भूत आता, वो भी जो थोड़े से उधर साइड के ना, थोड़ा बिहार और यूपी में पढ़ने लगता है, उसको पता ही नहीं सब्सक्राइब किसे कहते हैं, चैनल लॉगिन किसको कहते हैं, फ्रेंड जैसे आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उसको वो पता क्या बता रही है, लॉगिन कर रखी, लॉगिन सोच सकते हैं, लॉगिन मतलब जैसे कि आपकी जितनी भी आईडी हो हमारे फोन में दिख रहा है उसको लॉगिन कहते हैं। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। एक बदला लूंगा, एक और थी हल्ला, इसका नाम था हल्ला, जो कहती थी तुम अपने मैच का प्रमोशन कर दो, रोहन को मैं ला दूंगा, इसकी भी इसकी औकात दिखाऊंगा। अरे सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है। मैं तो इन सबको रोस्ट वन की माँ बहन को एक से एक करूंगा, सबको मैं
इनकी छोड़ो, मैं लोगों से मतलब नहीं, मुझे बस आप लोगों की दुआ और कृपा से मेरा जो दूसरा बेबी है ये भी हो जाए। एक तो आप लोगों की दुआ कृपा, समा बेबी होगा, सब आप लोग स्टोरी लगाना, जितने भी लोग हैं सारे लोग जब हमारा बेबी होएगा स्टोरी लगाएगा। और हाँ, 5 अगस्त और 8वां महीना 2024 का हमारा न्यू सॉन्ग रिलीज हो रहा है, तो आप लोग अगले महीने मतलब जब बेबी या तो बेबी देखिए रिलीज होगा नहीं होगा पता, लेकिन होगा जरूर, इतना कोशिश कर। ऐसा करोगे तो सारे लोग इंतजार करेंगे, फिर आप सॉन्ग नहीं डालोगे तो सब पे क्या लगेगा। ऐसा आपने कई बार कर चुके हो, सॉन्ग तो आएगा, टेंशन मत लीजिए। सॉन्ग तो अब क्या आएगा, 5 अगस्त को फ्रेंड रिलीज हो जाएगा। टाइमिंग वो तो नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी आप लोग। 11-19 पे, अच्छा वही टाइमिंग रहेगी 11-19 पे जिसपे हमारी ये वीडियो आई है, अभी 11-19 वही टाइमिंग रहेगी फैन। चाहे मैं हॉस्पिटल रहूँ चाहे हॉस्पिटल से बाहर हूँ, पता नहीं मैं, एक तो मेरा बेटा जन्माष्टमी के दिन वजह से क्या सो कैसे रहा देखो तेवर कैसे सो रहा और टांग फैला के, वो मेरा बाप है। बाप रे, आज की तो वीडियो क्लिप नहीं बनाई फैन मैंने, नहीं इतना एक्टिंग करता जैसे जैसे जानू कर रहे हैं ना सेम वैसा ही, मतलब कि एक्टिंग कर रहा, बहुत दिमाग लगाता है। बच्चों का दिमाग तो तेज होता ही है फ्रेंड। तो चलिए बस, चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे आप लोग सुबह या चाहे थोड़ी देर बाद, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही, देख सकते हो और कमजोर भी हो गए। ये कमेंट आ रहा था आप लोगों ने, बिल्कुल सही सिस्टर ने कमेंट किया, कमजोर हो गए इसलिए हो गए, टेंशन इतनी है, परेशानियां दिक्कत इतनी है ना, कमजोर। यहाँ पे आंटी है एक वो, जो कि हमेशा अगर मुझे मिलेंगे तो मुझे जरूर कहेंगी तुम्हारी आंखें अंदर जा रही, तुम बहुत कमजोर होती हो। अभी प्रेगनेंसी मेरा ये हाल है, जब बेबी हो जाएगा जब मेरा क्या हाल होगा, मैं तो ये सोचती कुछ भी लगूंगी, मैं अपने लिए लगूंगी, तुमसे मतलब ही नहीं, वो मुझे पता था तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। चलिए फैन मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम मॉर्निंग का टाइम और आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे काफ़ी बारिश वगैरह हुआ है, सुबह से बारिश हो रही है पूरा मस्त, देख लो आप लोग। कहने का मतलब है कि रात में तो होती नहीं है, कल बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी ना, तो मुझे लग रहा है ये भी बारिश पड़ी है, देखो कितना गंदा हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। और पूरी रात तो जगी हूँ, चेहरा देख के लग रहा होगा, पैर पूरे, ये देखो आप लोग सूज रखा है, सुबह का टाइम है, मतलब पूरा पैर, और जस्ट बिस्तर से उठ के मैं बस आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि बारिश बहुत अच्छी हुई है। मतलब ये है कि थोड़ा बहुत बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया, कल से बहुत गर्मी भी थी और इतना ज़्यादा बुरा हाल है, देख लो सुबह सुबह का टाइम है, पैर सूज गया है, और इधर का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो आप लोग आसमान तो देखो, अरे फिर सो रहे जानू, सो रहे हैं, पूरी रात जगना पड़ता है, पता नहीं भगवान कैसे मेरा इस समय कटेगा, कुछ नहीं पता है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है मेरा, मतलब कि बुरा यही चल रहा है फ्रेंड्स कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रह रही हूँ, रात भर मुझे पेन ही नहीं करना, मतलब कितना दर्द सा होता है कि पता नहीं दर्द ही क्यों भगवान ने इतना दिया है, समझ नहीं आया। मक्खियाँ दुनिया भर की, बारिश हुई तो मक्खी भी लगेगी, दुनिया भर की मक्खियाँ लगेंगी, अब क्या बताऊँ आप लोगों को फैन, तकलीफें तो इतनी है ना कि कहा नहीं जा सकता है, देख लो कैसा इसका नज़ारा, देखो घर आइए आप लोग खेत में, खेत का नज़ारा देखो आप लोग, देख लग रहा है इतना बुरा हाल हो रखा है, पीछे का बैकग्राउंड कितना सही लग रहा है ना फैन, मस्त पानी पी रहा है, मेरे को यहाँ बैठने में ही फायदा है, यहाँ बैठने जिसमें दर्द बहुत होता है कमर में, पैर अब सूज रखा है, अब अभी ये फिर आराम हो जाएगा, अभी नहीं, अब उठ गई हूँ ना, आधे घंटे बाद नॉर्मल पड़ जाएगा,
बाप रे बहुत बुरा हाल होता है सच में फैन। चलिए आप लोगों के वहाँ पे कहाँ कहाँ बारिश हो रही है कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ अभी ज़्यादा नहीं हुई फैन, बस सुबह थोड़ा सा हुआ है बारिश और मौसम पूरा साफ हो गया है। अब शायद ही बारिश हो, मुझे ऐसा लगता नहीं हुई पूरा। कैसे दिन गुजरे पता नहीं है फैंस, और कैसे गुजरेगा यहाँ का तो हाल पूरा। मैं तो ऐसे बेफिक्र होकर बैठी हूँ, कुछ नहीं है कहीं, इधर से कोहरा स्नैक निकल आया ना मुझे काट ही लेगा, काटेगा तो मैं पता भी नहीं चलेगा मुझे। प्रॉब्लम तो बहुत होती है लेकिन चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय सभी को, लव यू ऑल।